हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया उम्मीद करता हूँ। आपसे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं दिखा रहा था आपको, क्या हम लोग का टॉपिक था दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट। सभी बच्चों को इस सेशन में दोस्तों स्वागत है। बातें नहीं प्लीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी तक जो ही मैं डिस्कस किया हूँ, वह अभी तक जितना सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, 2 वर्ष 3 वर्ष रेट अलग अलग रहेगा, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे के सारे आपको मैंने आपको बता दिया है, जितना आपको ज़रूरत है रिलेवेंट चीज़ें। उसमें और भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको ऐड ऑन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा, ऐड करते चलूँगा, लेकिन फिलहाल अभी जितना आपको ज़रूरत है उतना मैं आपको बता दिया हूँ। आप इस पर बेस्ड, अभी तक जितना आप पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, या अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आप एग्जाम में कैसे इसको जल्दी से अप्रोच करके आंसर को ला पा रहे होंगे। आइए हम लोग इन सब बातों पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आज का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन अभी का देखिएगा, स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एज रुपीज 1.50, देन द सम इज व्हाट। क्वेश्चन में एकदम जान नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते आप। कह रहा है कि देखो जी, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो आप तुरंत समझिए कि 5% मतलब 1/20, बोलिए है ना, तो 1/20 हो गया। तो 1/20 कहने मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको ईसाई और सियाई के बीच का अंतर दिखाई दे रहा, तो अंतर तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 का मान हमारा 1.5 हो गया। 1 का मान कितना हो गया, 1.5, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में गुणा करेंगे 150, कितना आ जाएगा, 600 रुपये। इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया? देखो, अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, 5% का मान दिया, हमेशा 1/20 दिया है, 1/20 दिया है, तो 2 साल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। तो मैं यहाँ पर करूँगा 400। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका स्क्वायर, यह हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, 20, तो यह होगा 20, तो यह होगा क्या, 1 होगा, बोले है ना। तो सीआई एसआई का अंतर यही तो 1 शो करता है। तो 1 का मान कितना है, 1.5, 1 का मान 1.5 हो गया। तो हमसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है कितना आपका, 400, तो 400 में गुना करो 1.5 से, तो 15 चौका 60, 00 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 600। इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को, बोलिए हाँ या ना। देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको फिर समझा रहा हूँ यही क्वेश्चन का, मैं दोबारा समझा रहा हूँ कैसे बनाओगे आप, ध्यान से देखिएगा। मान के चलो यहाँ से मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ये समझिए कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक सॉरी एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर दिखाई दे रहा, 1.5 रुपया, ठीक है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो ये देखेंगे 5% का मान 1/20 हो गया, तो जैसे ही 20 आया तो तुरंत समझिए 20 यह होगा, 20 यह होगा, 1 यहाँ पर बनेगा, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ठीक है बाबू। अब यह पूरा का पूरा क्या शो करेगा, SCI, और यह पूरा क्या शो करेगा, SI, तो अंतर तो एक ही होगा, और यही अंतर हमें 1 का मान क्या दिया हुआ, 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहा होगा 400 रहा होगा, तब ना 400 के 1/20 निकला है जी आपका, तो 400 गुने करो कितना, 1.5, कितना निकलेगा, 600 रुपये। इज द करेक्ट आंसर। या मैंने एक रूल आपको और दिया, शायद आपको याद होगा कि PR² बटा 100 का स्क्वायर, याद है बाबू, और यह होता है CISI का अंतर। अगर किसी बच्चा को याद नहीं है तो यह नोट कर ले, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो देखो, P हमारे पास मालूम नहीं है, R हमारे पास है कितना आपका, 5%, तो मैं 5 के 25 कर दूंगा, और यहाँ पर 100 × 100 यह करेंगे, ठीक है। अब इसका अंतर आप देख पा रहे होंगे, आपको दिया है कितना, 1.5 मैंने कर दिया है ना, 1.5 2 क्यूब, नहीं 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 नहीं, ये लिखने के जरिए तो मैं आपको इंडिकेट कर दिया हूँ, ये 2 से गुना करने की आवश्यकता आपको नहीं है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ 2 से गुना करना है, ये सिर्फ CISI के अंतर को आपको रखना है, ठीक है बाबू लोग। तो अब समझना, क्या मैं इसको 15/10 कर सकता हूँ दोस्तों,
15/10 में कर सकता हूँ, ठीक है, 10 × 100 हो जाएगा, ठीक है, 2×5 10, 5×5 25, 5×3 15 ये हो जाएगा। अब देखो 200 × 3 कितना हो जाएगा, 600। तो आप अगर चाहो तो ऐसे बना के लाएंगे, या शॉर्टकट जिस मैंने बताया आपको, वैसे भी काम करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो प्रयास ये करना कि आपको एग्जाम में कलम लगाने की आवश्यकता ना पड़े। अब ये कैसे करेंगे, तो अभी जस्ट मैंने बताया, ध्यान से समझना फिर से एक बार, 5% मतलब व्हाट, 1/20। टाइम दिया 2 साल, तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 20 × 400। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 20 और ये बनेगा 20। इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, 1। क्यों, क्योंकि 20 × 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही निकलेगा। और यही अंतर होता है, 1 का मान हमारे पास 1.5 रुपया है, तो 400 में 1.5 से गुना कर दो, कितना पाएंगे आप, 600 रुपये। आंसर कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 600 रुपया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, यह क्वेश्चन नंबर 2। कैसे बनाएंगे, पहले आप थोड़ा सा अप्रोच लगाओ क्वेश्चन पर। यदि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5% ब्याज की दर से है ना इतना रुपया होता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप बताओ तुरंत से, तुरंत मन में सोचो, 12.5 मतलब 1/8, तो 8, 8 16, 17 का मान 110, सॉरी 17 का मान 170, तो 1 का मान 10 हो जाएगा, हमसे क्या पूछा ब्याज, देखो 60 हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। मन में मत रखो, आप मन में रखेंगे फिर दिक्कत होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो 12.5 मतलब यह, तो 12.5 मतलब कितना, 1/8, हाँ या ना, 1/8 हो गया, तो 8 या 8 या, अब ये किया क्यों, यहाँ पर 64 बनेगा कैसे, 8 × 4 करने से, तो हमारा यह कह रहा है कि SI क्या बनेगा, SI हमारे पास 16, लेकिन CI कितना बनेगा, 17, 8 × 8 = 16, 17, और 17 यूनिट का मान हमारे पास कितना है आपका, 170, तो 17 यूनिट का मान अगर हमारे पास 170 है, तो 1 का मान कितना होगा, 10 होगा, तो पूछा हमसे क्या, SI पूछा है ना जी, SI तो यही ना 8 × 8 = 16 होगा, तो 16 गुना करो कितना, 10 कितना, 160, इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं वो समझ में आ रहा समझ में, तो यह रफली मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, अगर आप चाहो तो इसको जल्दी से बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपका अपना तरीका है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे 12.5% पर आप ब्रेक करके लिखो 1/8, और यह 8 × 4 कितना हो जाएगा, 64, यहाँ से फर्स्ट ईयर, यहाँ से फर्स्ट ईयर और यहाँ सेकेंड ईयर, क्या ये सब लिखने की आवश्यकता है बाबू लो, नहीं, यह हो गया 8 रुपया, यहाँ से निकलेगा 8 रुपया और यहाँ से निकलेगा 1/8 कितना आएगा, 1 रुपया, तो SI कौन सा होगा, यही वाला तो होगा SI, और CI कौन सा बनेगा, यह पूरा का पूरा हमेशा CI कहलाएगा, तो 8, 8, 16, 17 यूनिट का मान हमारे पास दिया है कितना, 170, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10, हमसे पूछा SI कौन सा, 8 और 8 16, 16 × 10 कितना है, 160, ये बहुत जगह काम आएगा, मैं अभी 2 साल के लिए बता रहा हूँ, 3 साल पर भी बहुत सारा काम आने वाला है। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अब यह बोल रहा है कि एक राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात। अब सोचो थोड़ा सा, ध्यान से सोचना कैसे बनाए क्वेश्चन को, JSSC CGL CPO या कहीं भी उत्पाद में भी कहीं पूछेगा, तो आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान समझना। 4% मतलब 1/25, 25 में जोड़ेंगे 26, तो अब उसका टाइमिंग दिया 2 साल, तो 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625, हाँ या ना, 625 हो जाएगा। हमसे पूछा राशि, राशि मतलब मूलधन, तो यहाँ पर जो भी दिया होगा मूलधन ही दिया होगा जी, बात को समझिएगा, तो 625 से कटने वाला कितना वैल्यू है, 1, और कोई आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन मैं कैसे बना रहा हूँ समझने का प्रयास करो, 4% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1/25, तो प्रिंसिपल या अमाउंट या, तो 25 या, तो यह 26 होगा, टाइम दिया 2 साल, तो मैं स्क्वायर करूंगा, यह बन जाएगा 625, यह बन जाएगा 676, तो प्रिंसिपल हमारा 625 है, तो कोई वैल्यू वही होगा जो 625 से कटेगा, तो कौन कट रहा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। या आपसे यह बोलेंगे कि 2 वर्षों का यह राशि हो जाती है, तो 1352, तो 676 यूनिट का मान जो है ना कितना है, 1352, तो कितना गुना है, 2 गुना, तो 2 से आप यहां गुना कर दीजिए, तो कितना, 1250 नहीं आएगा क्या आंसर। जो भी काम करना है दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर समझाते हुए देते हुए आगे बढ़ रहा हूं।
कोई समस्या किसी बच्चे को है तो आप जरूर बताना। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप ऐसे बनाएंगे पी वन प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन का भी इस्तेमाल करके बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है नहीं मालूम, वन हमारे पास है और रेट हमारे पास क्या 4% है, तो 4/100 कर देंगे। ये रूल आपको पहले से ही पता है। और अमाउंट हमारे पास कितना 1352 रुपया, ऐसे ही बनाएंगे आप लोग। एक तरीका आपका यह है। तो पी यह हो जाएगा 4, ये 25 एक 26/25, और इसका स्क्वायर करेंगे 1352 आएगा, है ना। अब देखो पी का मान यहाँ पर 676 इस प्रकार से बटा में 625 आ जाएगा इंटू 1352 आएगा, तो ये आपको दो बार में कट रहा होगा। तो पी का मान हमारे पास कितना 625 × 2 1250 आएगा। क्या आप एग्जाम में इतना करेंगे? हाँ जी, 676 होगा ना, हाँ 676 होगा। 26 कितना बनेगा 676/625, और इसे दो बार में कटेगा तो कितना बनेगा 1250 रुपया, इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है मेरे को, ऐसे बनाना है। कोई समस्या किसी बच्चों को आ रही है यहाँ पर? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा, ये बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4th के लिए, ये करके दिखाओ। अब ये कह रहा है कि देखो 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये की धनराशि इतनी रुपये हो जाती है, मतलब 882 रुपये हो जाती है। रुपीज का बोल रहा है कि 800 रुपया जो है 5% पर एनम की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है दोस्तों, अमाउंट कितना बन जाता है इतना रुपया। तो आपको निकालना क्या है, समय निकालना, मतलब टाइम निकालना है। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आप बताओ कि प्रिंसिपल 8 और यहाँ अमाउंट, तो ये 800 हो गया और यहाँ पर 882 हो गया। तुरंत करो या 400 और यह करो 441, हुआ कि नहीं हुआ? तो यह इसको स्क्वायर करने के बाद अगर देखेंगे तो यह 20 होगा और यह 21 होगा। बोलिए अब देखो 20 से 21 हो गया कितना, 1/20 × 100, 5% आया कि नहीं आया? 5% रेट दिया है दोस्तों, यहाँ पर 5% रेट दिया होगा। तो यह काम कर गया मेरा। इसका अंडर रूट तब करते हैं जब समय कितना हो, 2 साल हो, तो समय यहाँ पर 2 साल है। आंसर अंडर रूट तभी करते हैं जब यह टाइमिंग 2 साल दिया होगा, क्यू रूट तभी करेंगे जब टाइमिंग 3 साल दिया हो। तो देखो 800 का अंडर रूट, सॉरी इसको मैंने 2 से कट किया तो 400 आया और यह 441 आया, तो मैं अंडर रूट करूंगा तो 220 और यह 21 आ जाएगा। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 5% आ रहा कि नहीं आ रहा मेरा रेट। तो 20 से 21 बढ़ा, 1/20 यानी कितना 5%, यानी 5% बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें निकालना था टाइम, तो टाइम देखो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, रूट किया हूँ, और मैं रूट तभी करता हूँ जब टाइमिंग 2 साल होता है। तो 2 साल कहाँ पर ऑप्शन में है, ए में, दैट्स ऑल। बाय द वे हो सकता है कि आपको इस बात समझ में नहीं आया, सपोज, तो इसको कैसे जल्दी से बनाओगे आप, मिटा दो इसको, और तरीका मैं दे रहा हूँ आपको जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर कि मैंने किसी व्यक्ति को 800 रुपया दिया, चलो ठीक है जी, तो वह हमें देता कितना है, वह हमें देता है दोस्तों 1+ रेट कितना है 5%, 5/100 है ना, कितने साल में देता है मुझे नहीं मालूम, टाइम नहीं पता है मेरे को, और यह 882 रुपया हो जाता, सही है क्या? यह टाइम मुझे नहीं पता है, मैंने इसको टी मान लिया, यहाँ पर मैंने टी कर दिया, ठीक है। तो 5 × 100 और 21/20 हो गया, और यहाँ पर टी नहीं मालूम मुझे दोस्तों, यह 882/800। यह तमाम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल मैथ्स में समझ में नहीं आता उनको अप्रोच, उनके लिए मैं खासकर ये बताना चाहूँगा। लेकिन एग्जाम में बिल्कुल वैसे करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह 441 हो गया और यह आपका 400 हो गया, ठीक है। अब बताओ कि 21/20 यहाँ पर टी है, और यहाँ पर 441 को मैं अगर लिखूँ कि 21/20 का स्क्वायर, तो कोई समस्या किसी बच्चों को, 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, 20 का 400, तो देखो 21/20 और 21/20 कटा कि नहीं कटा, तो टाइम का मान हमारा क्या आ जाएगा, दो। पता बच्चा लोग ऐसे बताएंगे तब जाके समझ में आएगा वो, अच्छा हाँ तब जाके समझेगा सब। तो इतना एग्जाम में करना ही नहीं है हम लोग को, ऐसे करोगे तो फिर आप क्वेश्चन बना सकते हो, एग्जाम निकलना बहुत दूर की बात है, नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट। लेकिन ज़्यादा समझ में आपका ये वाला रूल आएगा, क्योंकि हमको पता है कि पूरा अप्रोच माइंड में ये वाला सेट है बाय डिफॉल्ट, है ना। लेकिन एग्जाम में काम करने के लिए दोस्तों हुआ जो मैं बता रहा तरीका, वो आप इस्तेमाल करेंगे जल्दी बनेगा, फटाफट नोट करेंगे सभी अच्छे से। हाँ जी, नहीं नोट कर लेंगे सब बच्चे यहाँ पर, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रही होगी आप लोगों को। कुछ बोल भी दीजिए,
अगर आपको समझ में आ रहा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा, कुछ सीख रहे हैं तो जरूर आपको समझ में आना चाहिए। अभी तक यहाँ पर यह क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, यह कह रहा क्वेश्चन में क्या कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 फॉर वन बाई टू ईयर्स। यह जो दिखाई दे रहा है यह क्या समझेंगे, वन बाई टू ईयर्स के बारे में कह रहा है। 11 वन बाई टू नहीं है, वन बाई टू ईयर्स है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है। तो ये कैसे निकालोगे इसका वैल्यू समझना पहले शॉर्ट में। 2800 रुपए की धनराशि हमें क्या दिया, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2800, मतलब प्रिंसिपल हमारे पास 2800 दिया हुआ है फॉर वन बाई टू ईयर्स एट 10% पर एनम। तो वन बाई टू ईयर्स मतलब डेढ़ साल के लिए। तो देखो R1 हमारे पास हो जाएगा 10% और R2 कितना हो जाएगा 5%। अब बोलेंगे कैसे सर, अरे तो एक साल के लिए 10%, तो 6 महीने के लिए आधा कर देंगे, या हम इसी को क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ क्या कि यह पूरा जो है यह 10% जो है अगले साल पूरे 12 महीने के लिए काम करेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो 6 महीने के लिए चाहिए, तो 6 × 12 2×5 = 10, 5% आया कि नहीं आया। तो फर्स्ट ईयर 10% पर काम करेंगे और सेकेंड ईयर हम 5% का, तो इसका CI क्या बनेगा, तो आपको पता होगा 10 + 5 और 10 × 5 बटे में 100 करते हैं तो 10 × 5 = 15.5 आ जाएगा। कुछ तो बोलिए, हाँ होना, यह आ जाएगा हमारा 15.5। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 15.5%। अब दोस्तों आप क्या करें, यही 2800 रुपया जो दिखाई दे रहा है इसी 2800 का 15.5 निकाल दीजिए बटे में 100। बोलिए हाँ ना, जल्दी से गुना करो तो फटाफट, ये 00 कट करेंगे, 28 गुने करो जल्दी से 15.5 कितना आएगा देखो तो जल्दी से करके, 15.5 अर्थात 21/2 कर सकते हैं आप, 21/2 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 14 गुना 31, 4 से गुना 1 ही आएगा, यही ऑप्शन कुछ नहीं, क्योंकि 14 में 4 से गुना करूंगा 1 में तो 4 और कहीं ऑप्शन में है नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नहीं समझ में आया, देखो मैं थोड़ा कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको अप्रोच कैसे बताऊँ, आपको जितना पढ़ाना था मैं पढ़ा दिया हूँ, जितना बेसिक समझाना था मैं समझा दिया, लेकिन अब हमारी अप्रोच हो गई कि मैं आपको मैथ्स में कैसे उड़ाऊँ, है ना। हाँ रूल वही वाला, x + y और x वे 100 जैसे मैंने बताया होगा, अगर मैं उसमें नहीं बताता अभी मैं यूज़ करता तो आपको दिक्कत होता, लेकिन मैं पहले आपको इसके बारे में जानकारी दे रखा है। हाँ या ना, R1 R2 यह क्या करता है, क्या किस प्रकार से वर्क करता है मैं पहले बताया आपको, जल्दी से इसको नोट करेंगे सही बच्चे फटाफट। कोई डाउट किसी बच्चे को हो रही है यहाँ पर, अगर भाई दिवे हो सकते हैं बात समझ में नहीं आया आपको, मैंने समझाया और ये समझ में नहीं आया सब कुछ, फिर कैसे करोगे आप। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 1 पूर्णांक 1/2 वर्ष यह कह रहा है, या मैं बोल सकता हूँ 1 वर्ष 6 महीना, ठीक है बाबू 1 वर्ष 6 महीना भी कह सकता हूँ हम, कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं। तो जैसे 1 वर्ष 6 महीना, 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष 6 महीना, 2 वर्ष 5 महीना कुछ भी दिया है आप उसको पूरा राउंड अप कर लेंगे। राउंड अप बोले तो अगर 1 वर्ष 6 महीना बोला उसको 2 साल समझेंगे, 2 साल समथिंग बोला उसको 3 साल समझेंगे, आप समझे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 साल 6 महीना बोला हम क्या समझेंगे इसको, 2 साल समझेंगे। तो 2 साल के लिए मैं क्या बताया था, रेट अगर दिया है 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/10 हाँ या ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 10, और यहाँ पर क्या आएगा 10, और यहाँ पर क्या आएगा 1, इससे बताने की आवश्यकता है कैसे आएगा, आएगा नहीं। यह फर्स्ट ईयर के लिए और यह हो गया आपका सेकेंड ईयर के लिए, तो यह 10 और 1 कितना बनेगा 11, 11 रुपया क्या निकला ब्याज। दूसरे साल मतलब पूरा साल में 12 महीना में, तो 12 महीना में 11, 12 महीना में कितना 11, हमें निकालना कितना है 6 महीना में, क्योंकि 6 महीना निकालना है ना मेरे को जी, तो 6 × 12 मतलब कितना आ जाएगा, बोलिए बोलिए। अगर हम यह बात करते हैं 11 रुपया जो भी आया पूरे साल का मतलब 12 महीना का, लेकिन हमें निकालना है आधा साल का मतलब 6 महीना का, तो आधा से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 5.5 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताइए हमारे पास पहले से कितना है 10, इधर से कितना आ गया, तो 10 और 5.5 कितना आ गया
आया कि नहीं आया 15.5? तो 15.5% निकालना है किसका, बोलिए, 28 हजार। ठीक है, या मैं ऐसे कह सकता हूं आपको कि मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास 100 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 2800, बोलिए हाँ ना। तो एक का मान कितना होगा, 28, बोलिए। तो हमसे 28 में अगर मैं 15.5 से या 10 और या 5.5, 15.5 से मैं गुना करूं तो आएगा कि नहीं आएगा वो, देखो कैसे आएगा। 15.5 को अगर मैं ये लिखूंगा कि 31 बटे में 2, तो 2 और यह कटेगा, 14 गुना 31 कितना आएगा, यह आएगा कि नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस अगर आपका किया हुआ है, पहले से कर रखे हैं, पहले से समझ रखे हैं, तो क्वेश्चन को आप नचा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, घुमाओ यार, है ना। तो आप ऐसे भी चौथ बना सकते हैं, इसके पीछे वाले कॉन्सेप्ट से भी आप चीज़ों को सॉल्व करके ला सकते हैं आंसर को। यह 10 और यह 5.5, 15.5 बोले तो 31 बटे 2, मैंने कैलकुलेट किया कितना आ गया, 434। यह मैं ऑप्शन इसलिए जान के रखा हूँ ताकि आपको यकीन हो कि आप जो काम कर रहे हैं वही सही है और जेन्युइन है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फटाफट इसको नोट करेंगे दोस्तों। मेरे प्यारे अग्निवीरों, समझ में आ रहा सही बच्चों को? हाँ, गुड, वेरी गुड। नहीं समझ में आएगा बोलना आपको। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जब तक आपको इसमें अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा, तब कोई भी व्यक्ति आपको इसमें इंटरेस्ट लाना बहुत दूर की बात है। खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। हंसाया उसी को जाता है जिसमें हंसी हो, है ना। अब कोई बच्चा, इसे कहा जाता है ना कि सोया हुआ व्यक्ति को उठाना बड़ी आसान है, लेकिन जो सिर्फ सोने का बहाना कर रहा हो उसे उठा नहीं सकता कोई, बात समझे। अगर आप सीखना चाहो तो आपको सिखाया जा सकता है, लेकिन अगर आप सीखने का सिर्फ बहाना करेंगे कि मैं सिर्फ पढ़ने आया हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो दोस्तों आपको क्या कोई पढ़ाएगा, है ना। तो आप में वो ललक, आप में वो आपका जिज्ञासा होना चाहिए जो आपको चाहिए। एक्चुअली में जिज्ञासा खुद की होनी चाहिए। यह क्वेश्चन करेंगे आप, यह कह रहा क्वेश्चन में क्या कि देखो मैं पढ़ दे रहा हूं, यदि 7500 रुपया प्रति वर्ष 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर लिया जाता है और 2 वर्ष के लिए भुगतान करने वाली राशि कितनी होगी, मतलब अमाउंट निकालनी है, तो आप क्या करोगे। पूरा लग मत जाना तुरंत कॉपी कलम लेकर, पहले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यह कह रहा है कि देखो 4% है, तो समझो यहां पर 4% का मतलब 1/25, तो 25 में जोड़ेंगे 26, तो 25 से इसका 625 और 26 से इसका 676, तो 25 से पहले 625 इसको डिवाइड करो, 625 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7500 को अगर मैं 625 से डिवाइड करूं कितना आएगा, 4 आएगा, बोलिए हाँ ना, 4 आएगा। तो 676 में 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा जी, बोलो, 4 ही आएगा ना। यहाँ पर देखिए, आपने हमने क्या किया, यहाँ पर अभी जस्ट आपने बोला क्या कि 4% का मतलब दोस्तों हमारे पास है कितना आपका, यह 4% का मान, थोड़ा सा आप काम करके बताया करो, यह प्रिंसिपल और यह अमाउंट, मन में नहीं, काम कर लिया करो फिर बताओ मेरे को। 4% का मान 1/25 हो गया, तो 25 अगर यह हो गया तो 26 यह होगा, क्लियर है। अब टाइमिंग अगर 2 साल दिया है तो मैं क्या बताया था, इसको स्क्वायर करो, यही तो मैं बता रहा था आपको, यह 625 होगा और यह 676 होगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 7500, मतलब 625 का मान 7500, तो वही तो मैंने बोला था कि 7500 को 625 से डिवाइड करो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 से क्या करेंगे यहाँ पर, गुना कर दो, कौन सा आंसर आएगा, हाँ जी, डी, 81/12 ना, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गुना कर लो फटाफट आंसर आ जाएगा। तो देखो, जो अगर मैं आपको पहले बताया वही चीज यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ को बच्चा बोल दिया था 4 आएगा, देखो यहाँ पर मैं 4 लिख दिया था, जो भी बोलते हो सोच समझ के बोला करो। 625 में अगर मैं गुना करता हूँ 12 से तो कितना आएगा आपको, इतना आ जाएगा, और जितना आएगा उतना से अगर यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा आपका, 81/12 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बनाइएगा, कोई समय यहाँ पर लग रहा है, थोड़ा सा प्रयास करना है कि आपको रेट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि 4% का मतलब कितना हो गया, 1/25 हो गया। यार हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, कितना आएगा, अरे आप इसमें 12 से गुना करो ना जी, 676 इंटू 12
कितना आएगा, यही ना आएगा। अब ये सब बच्चा इतना कन्फ्यूज रहेगा एग्जाम में क्या करेगा सब। देखो ध्यान से देखिएगा, अब इसी क्वेश्चंस को मैं चाहूँगा कि आप चाहे तो ऐसे ट्राई कर सकते हो। जो बच्चे नहीं समझ पाए, प्रिंसिपल हमारे पास 7500 रुपया है, चलो मानता हूँ मैं, 1+4/100 और ये टाइम दिया 2 साल, ये आपका अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। तो 7500 को आप क्या करेंगे, 4/25 मतलब 1/25 26 आ जाएगा, और यहाँ पर यह करेंगे, यह अमाउंट निकल रहा है आपका। तो 7500 676/625 यह क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा आपका। यह कटेगा 12 बार में, तो अमाउंट का मान 676/12 अर्थात 81/12 रुपये इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों ही तरीके आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, या तो आप रूल्स का इस्तेमाल करके बनाएंगे, या शॉर्टकट जो मैंने बताया है परसेंटेज बेस्ड पर, आप उसका भी इस्तेमाल करके बनाएंगे। दोनों ही मैं ऑप्शन पैरेलल लेके चल रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा ऐसा हो जो छूटे ना, ये ना कहे कि हमें यह समझ में नहीं आया। मैं उनके लिए खासकर ये चीज़ व्यवस्था किया हूँ, है ना, वेज भी है और दूसरा नॉन वेज भी है, दोनों व्यवस्था आपके पास है। आप जो चीज़ आपको पसंद हो आप लेते चलो आगे, फटाफट, ठंडा गर्म दोनों पसंद है ना आपको। हाँ वेरी गुड, तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मैथ्स में एंजॉय कर रहे होंगे, आप समझ में आ रहा होगा आपको। कोई समस्या किसी बच्चे को है और हो रही है क्या यहाँ पर, नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये 6 के बाद मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, 7 नंबर, यह आप करके दिखाएंगे फटाफट, यह आपको करना है। ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है और 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। यानी कि 3 वर्षों में इतना हो गया और 2 वर्षों में इतना हो गया, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब यह जरूर रेट जो आपको कह दिया, यह बहुत बड़ा चीज़ है। रेट आपको कौन सा लेना है, आपको CI का रेट लेना है। 3 वर्ष में इतना रुपया और 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। पहले मैं इसका ट्रिक बताता हूँ और उसके बाद मैं लेकर चलूंगा आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर। वेरी गुड, बच्चा समझदार है, समझ रहा है। अब एक बात बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, हो जाती क्या होता है, अमाउंट, ए सम अमाउंट्स टू, मतलब ये दोनों दोनों क्या दिया हुआ है, अमाउंट्स, इतना रुपया इन 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स में कितना, इतना रुपया। तो जो भी 1 वर्ष में अंतर हुआ होगा वो किसकी वजह से होगा, इंटरेस्ट की वजह से होगा, बोलते भी नहीं है सब वंडर लोग। जो अंतर हुआ होगा वो डिफरेंस की वजह से हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कि अगर हमारा 2 वर्ष में और यहाँ पर हमेशा कितना 3 वर्ष में दिखाई दे रहा है, अंतर कितना का है, 1 वर्ष का, तो जो 2 वर्ष में कितना हुआ हमारा, 2916 रुपया हुआ है, 2916 रुपया हुआ है, और 3 वर्ष में कितना हुआ हमारा, 2916, यहाँ पर 3149.29 इन हुआ जी, सॉरी 2916 ना, यह हुआ है 2916 रुपया हुआ है, बोलते हैं सही लिखते हैं कुछ उल्टा ना, ये 2916 रुपया 2 वर्ष में हुआ है और 3रे वर्ष में क्या हो गया इतना, ये किसकी वजह से हुआ है, इंटरेस्ट की वजह से, किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकालो ना जी, कितना हुआ इंटरेस्ट निकालो, तो इसमें से अंतर निकालो, 3149.29 में से यह घटाओ, जल्दी से बनाइए फटाफट, 233.29 इतना बढ़ा है, कितना से, 2916 से, तो 100 से कितना पॉइंट हटेगा, नीचे 00 आ जाएगा, यही था आपका। अब यहाँ पर समझिएगा इसको क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट हटेगा 00 आ जाएगा यहाँ पर, यह तो परसेंट का मतलब इतना हो गया, कट गया आपका। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना बार कटेगा, 233.29/2 डिवाइड करो, कितना आएगा, मतलब 8% के लगभग आया, 8.00 आ रहा, मतलब 8% मान लीजिए, तो 8% मेरा क्या निकल गया दोस्तों, इंटरेस्ट निकल गया। हाँ या ना, बोलिए फुल कुमारी लोग, पानी बोतल है ना घर में, हाँ
8% ये निकल गया हमारा। अब ये बताइएगा कि 8% का मान आपको क्या होता है, बोलिए प्रिंसिपल यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर 25, तो यह होगा 27। क्यों? चूँकि 8% का मान हमारे पास 8/100 होगा, छोटा करेंगे 2/25 होगा, हाँ या ना? 4 से कट होगा ना जी, तो 25 प्रिंसिपल, तो 25 27 बनेगा 27, यह हमेशा क्या बनेगा, हमेशा अमाउंट बनेगा। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे 2 साल में, तो 625 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 729। तो आप ये बताओ कि 2 साल में आपका अमाउंट कितना हुआ है, 2916 रुपया। तो 729 में कितना से गुना करें कि 2916 आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, चार बार में, तो 4 से फिर यहाँ गुना कर दीजिए तो 2500 आ जाएगा। 2500 ऑप्शन में है क्या बाबू लोग, बस यहाँ पर ऑप्शन मर्सी करेक्ट आंसर, समझे मेरी बात को? आप बोलेंगे सर ये 2 वर्ष मेरे लिए आसान है, फिर 3 वर्ष करेंगे तो फिर यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा इससे, 3 वर्ष में क्यों जाना, 2 वर्ष ही मेरा काम हो जाएगा, हमें अल्टीमेटली प्रिंसिपल निकालना है। तो मैंने क्या किया कि पहले रेट निकाला, सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा कि रेट एक्चुअली में है कितना। तो रेट आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इतना बढ़ा, कितना, इतना 100 कितना से बढ़ा, मैंने यह काम कर लिया। तो मैंने देखा क्या कि यहाँ पर 8% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब मैं ये समझाने का प्रयास करूँगा कि 8% मतलब क्या होता है, 2/25, तो 25 हो गया प्रिंसिपल और 25 से 2 कितना, 27। टाइम दिया था 2 साल, 2 साल करेंगे तो यह और यह बनेगा। तो हमें दिया क्या हुआ है, अमाउंट दिया होगा, तो 729 का मान इतना, तो 1 का मान 4 हो जाएगा, 4 से यहाँ गुना करेंगे कितना, 2500 रुपये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला आंसर हो जाएगा 2500 रुपये। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या यहाँ पर? अगर बाय द वे यह चीज़ समझ में नहीं आया तो ऐसा नहीं कि आपको और तरीका नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, पहले इसको नोट करेंगे सही बच्चे फटाफट। चलिए आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड। अब बात करते दोस्तों, कुछ बोलिए आप लोग भी, क्यों करूं भरोसा किसी, भुला के सब चलो, इतना रटवाए थे सबको, याद करवाए थे, क्यों करे भरोसा किसी गैरों पर जब चलना ही है खुद अपने, वाह वेरी गुड, याद रखना बहुत जरूरी है। भुला जाता है, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, कोई नहीं पढ़ देगा आपको, है ना, जब पढ़ना खुद है ही मेरे को तो फिर क्यों इंतजार करना है, पढ़ लो भाई, इंतजार मत करो किसी का ना, इंतजार नहीं करो कि फलानवा जाएगा तब हम जाएंगे, ये इंतजार नहीं होना चाहिए, फलानवा जाएगा, फलानवा समझ रहे ना, बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं कि हम कैसे जाए अकेले, फलानवा जाएगा तब जाएंगे, तो मैं इंतजार ये कहूँगा। हाँ बोलिए, वही क्वेश्चन है, वो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, मैं तरीका चेंज कर रहा हूँ आपको, सिर्फ तरीका बदल रहा हूँ, क्वेश्चन वही के वही रखा हूँ, ठीक है। देखो आप ये बताएंगे कि 2 वर्ष में P into 1 plus R by 100 आर दिया है क्या, नहीं मालूम, चलो ठीक है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है मेरा, 31.49। मैं आपको जीवन तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा, लेकिन कैसे आएगा पहले समझना पड़ेगा। ये देखिएगा P into 1 plus R by 100 और यह 2, यह कितना है दोस्तों, 2916। आप क्या करो कि जो बड़ा टाइमिंग है और नीचे छोटा टाइमिंग रखो, दोनों को फ्रैक्शन में रखेंगे, 3 साल ऊपर और नीचे में रखूँगा 2 साल, 3 साल में कितना हो जाता है, देखिए बसंती कुमार इधर, 3 साल में कितना, इतना, और 2 साल में इतना हो गया, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो दोस्तों एक बार बताओ कि यहाँ से मैं पी और पी को कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। अब देखो दोनों का बेस यहाँ पर क्या हो गया, समान हो गया, ये दोनों का बेस क्या हो गया, समान हो गया। तो समान कहने मतलब क्या कि जब अगर बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, ओह गॉड, माइनस होता है। अगर a टू दी पावर m और a टू दी पावर n है तो a टू दी पावर a माइनस n, मैं कह सकता हूँ, यही बोलना था आपको, हम पूछेंगे आपसे कि जब दोनों का बेस अगर समान है और वह डिविजन में है तो पावर क्या होगा, घटेगा, माइनस होगा, वेरी गुड। तो दोस्तों यह चीज मैं बता दिया, अगर आपको बातें नहीं प्लीज। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं 1 plus R by 100
यह हो जाएगा 3-2 मतलब 1। अब जो भी काम करना है इसको छोटा करना होगा, छोटा अगर करूँगा मैं अगर इसको तो छोटा करेंगे तो यहाँ 00 आ जाएगा क्या, है ना। अब पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा पॉइंट, यहाँ से हट जाएगा, यह पॉइंट यहाँ से हट गया। अब दोस्तों आपको करना होगा क्या, कुछ इस प्रकार से कि छोटा करना होगा इसको, छोटा करना होगा मतलब इसको थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है क्या कि 31 49 29 16 00। हाँ ए ना, कोई समस्या। अब देखो आर बाई 100 अगर मुझे निकालनी है, मैं यहाँ से क्या कर दिया, इसको इरेज कर दिया, तो ये बताओ कि आर बाई 100 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 31 49 और बटे में 29 16 00 -1 आएगा। क्लियर है, -1 को मैं ऐसे कह देता हूँ कि 31 49, जल्दी करेंगे आप लोग फटाफट मोबाइल में, यह 29 16 00 बटे में 29 16 00। हाँ या ना, यह मैं क्या निकाल रहा हूँ दोस्तों, रेट निकाल रहा हूँ। पहले आपको मैं रेट निकालना सिखाऊंगा, रेट कैसे निकालेंगे। देखो देखो अगर आप उस तरीके से नहीं बनाएंगे तो सोचो कितने मेहनत करना पड़ेगा आपको डिजिट में, क्या एग्जाम ऐसे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसे। जल्दी तो यहाँ मैंने गुना किया, कितना आएगा इसका, 23,329 बटे में 29 16 00, 00 00 कट जाएगा यहाँ से आपका 100। तो आर का मान इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 23,329 को डिवाइड करो कितना से, 29 16 से 8% लगभग आ रहा है, 8% आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आप बताओ कि एग्जाम ऐसे करेंगे, सोचो कितना मेहनत करना पड़ेगा। यह हुआ आपका ट्रेडिशनल मेथड, यह हुआ आपका ट्रेडिशनल मेथड जो कि आपको इतना काम करने के लिए मजबूर कर देगा, कोई तरीका ही नहीं बनेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही दिया कि आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का आपका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। लेकिन मैंने आपको 8% निकाल दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल कर लिया है तो इससे क्या फायदा होगा, आप देखिए ध्यान से, P1+R हमने 8% निकाल दिया है और टाइम 2 साल में यह पैसा कितना बनता है, 2916 बन जाता है। हाँ ना, बनता है ना जी। तो 2 × 8 2500 × 100, तो यह P 25 × 25 227/25 आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर और यह 2916 आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि 729 बटे में 625 और यहाँ पर 2916, यह 4 बार में कट जाएगा आपका। तो P का मान क्या आ जाएगा, 625 × 4 यानी कि 2500 रुपया। एग्जाम में करेंगे इतना, बोलिए नहीं करेंगे, ये आपको इतना आएगा। तो बताओ कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इतना और इतना निकालने के बाद मैंने 8% पहुँचा, 8 निकालने के बाद फिर मैंने आपको कहाँ पर ले गया, इतना पर, तब जाके आया 2500 रुपया। तो ये हुआ बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब किसी बच्चे को पढ़ाने का मौका मिलेगा और वैसा क्वेश्चन रहेगा तो ट्रिक मत बताना उसको, नंबर कट जाएगा बेचारा का, उसको पढ़ाना होगा आपको ऐसे, तब जाके उसका मार्क्स मिलेगा। बात समझ रहे सब बच्चे, वेरी गुड। मेरा उद्देश्य एग्जाम के साथ साथ आपको मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट जमाना भी है और इंटरेस्ट लाना भी है। अगर इंटरेस्ट आने लगेगा तो मैथ्स आप खुद अपने आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए मैं लेके चलता हूँ, अभी मैंने देखा यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन पर मैंने क्या किया आपके सामने, आपके सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी चीज़ मैं आपको रख दिया हूँ और इसका आंसर मेरा कितना आया है, 2500 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, चलिए वेरी गुड। ये उठाता हूँ मैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह रहेगा, यह एक करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह अपने आप का 8 गुना कितना समय में हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो, जितनी गुनी बोलेंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, उसको बेस बना लो, कितना गुना है, 2 गुना 2 कर दिए। अब यहाँ देखो कि यह अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, तो 2 का पावर ऐसा क्या करे कि 8 हो जाएगा, 3। तो मैंने यहाँ पर 3 रख दिया और शुरुआत में टाइम कितना दिया था, 5 वर्ष, 5 से गुना कर दो, 3 × 5 कितना आ जाएगा, 15। यही 15 आंसर हो गया, 15 है ऑप्शन में, देखो 15 यहाँ पर होगा, या एक शायद हो सकता छूट गया होगा, 15 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, मैंने कैसे क्या मालूम चला, देखो 10 15 10 12 20 और ये 5 नहीं बल्कि क्या समझेंगे इसको हम, 15 हो गया, ये आपका 15 दिया ऑप्शन में,
तो मिस्टेकनली आपको 5 लिखा गया होगा, इसे आप 15 समझेंगे या 15%। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? नहीं। मैंने क्या बोला आपको कि जितना गुना बोलेगा, जितना गुना आप नीचे कर दो, और उसके बाद ये बोला है कितने समय में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना बोलेगा तो 3 कर देंगे यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि 2 × 3 = 8 होता है। टाइम कितना दिया है? 5 साल। तो यहाँ पर करेंगे 5, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 15 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये हुआ आपका क्या, शॉर्टकट अप्रोच। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इसका जेन्युइन अप्रोच, है ना, जो लॉन्ग मेथड के माध्यम से अगर यह क्वेश्चन आप बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे। प्लीज इसको पहले फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे, नोट कर लो। नोट क्या करना, बड़ी आसान चीज है ना, याद हो चुका होगा अब तक। मैं बात करता हूँ इसको और भी तरीका से कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, ठीक है जी। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि अपने आप का 8 गुना हो जाती है, ठीक है। ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 5 years। प्रिंसिपल 1 + r/100 मैं यूज करता हूँ, और यह डबल मतलब क्या बन जाएगा, 2p। अगर मैं किसी व्यक्ति को पी रुपया देता हूँ, या पी के जगह पर मैं कर दिया यहाँ पर 100 रुपया, मैंने अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिया तो मुझे कितने वर्ष में 200 रुपये देगा मुझे नहीं पता। सॉरी, 5 वर्ष दिया ना बाबू, 5 वर्ष दिया है, तो 5 दिया है तो 5 मैं यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर मैं 5 रख दूंगा। 5 वर्षों में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर मैं किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिया, किस रेट पर दे रहा हूँ मुझे नहीं पता है, किस रेट पर मैं दे रहा हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन 5 वर्ष वो रखेगा तो 5 वर्ष के बाद कितना देगा मेरे को, 200 रुपये। अगर मैं 1000 दिया होता, 2000। अगर मैं 10000 दिया होता तो 20000, दुगना देता पैसा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो यह कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, यानी कि 1 + r/100 का मान क्या आ जाएगा, 2। बोलिए, है ना, कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है यहाँ पर? नहीं। अब एक बात बताना कि अगर a^m है और यहाँ पर 2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2^1/m। नहीं समझ रहे बच्चा लोग, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, समझिए यहाँ पर इसे बेसिक चीज़। आपको अगर बेसिक अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर अच्छे से काम कर सकते। जैसे मैं आप यहाँ देख समझिएगा, अगर ए क्यू का मान हमारे पास 27 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, बोलते हैं 3। कैसे 3? तो आप यहाँ पर करते क्या हैं कि 27^1/3 करते हैं ये वाला से, हाँ या ना, और उसके बाद 27 पर हम क्या करते हैं, 3 का q करते हैं, और उसके बाद ये 1/3, तो ये 1/3 और 3 ये कट जाता है, तब जाके आता है कितना आपका, 3 आता है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास 1 + r/100^5 है, तो मैं इसका मान निकालूं तो ये हो जाएगा 2^1/5 हो जाएगा, हाँ या ना, ये इसका पावर हो जाता है। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर है क्या, यहाँ तक किसी को कोई समस्या दोस्तों, बोल भी दीजिए जरा। नहीं है, बहुत अच्छी बात है, समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों होगी समस्या, होने में कोई ऐसा बात ही नहीं है। तो यह राशि कितने समय अपने आपका 8 गुना हो जाएगा, अपने आपका 8 गुना हो जाएगा, चलो ठीक है जी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन पर। वह धन राशि r/100 कितने समय में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर 100 रुपये दे रहा हूँ, 100 रुपये अगर मैं दे रहा हूँ, तो वह कितना देगा मेरे को, 800 रुपये देगा। यहाँ पर मुझे 800 रुपये देगा, तो कितना गुना होगा, 8। तो 1 + r/100^t का मान कितना है, 8, हाँ या नहीं है। अब यहाँ बताइए कि 1 + r/100 का मान हमारे पास क्या है, वेरी गुड। तो यहाँ पर रखेंगे 2^1/5, और t से अगर गुना करेंगे, और यहाँ पर 8 को क्या मैं 2^3 कर सकता हूँ मेरे साथियों, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं t से इसमें गुना करूँगा तो क्या t/5 हो सकता है क्या, कुछ बोलिए, हाँ हो ना, वेरी गुड। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि 2^t/5 मैं करता हूँ, कोई समस्या। तो यहाँ से 2 और 2 हवा हवाई, तो t/5 का मान 3 है, तो t का मान कितना, 5 × 3 मतलब कितना आएगा, 15 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा 15 वर्ष, और ये हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो यह हुआ हमारा ट्रेडिशनल मेथड,
जो कि आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है। कैसे करना है मैंने शुरुआत में ही समझा है, क्या एग्जाम में इतना करेंगे तो बहुत समय लेंथी हो जाएगा और आप बनाते बनाते थक जाएंगे, क्वेश्चन की संख्या आपके पास ज़्यादा रहेगी और आपका समय यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। नोट करेंगे प्लीज फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखो सिर्फ एक रूल से मुझे बताना हो तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी मैं बना के आगे निकल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर दो रूल इसलिए रखा हूँ कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको यह ट्रिकी अप्रोच समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उन्हें एटलीस्ट लॉन्ग मेथड के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ तो वह ज़्यादा समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं दोनों ही ऑप्शन इसका कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, नोट कर लिए सब, सब फोटो खींच ले रहा था बच्चों ने कौन नोट करता है था। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट में, ये आपके लिए रहेगा, जल्दी से करेंगे और यथाशीघ्र जितना जल्दी आप बनाएंगे उतना जल्दी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये आपके लिए है क्वेश्चन दोस्तों, कह रहे क्वेश्चन में क्या कि एक निश्चित राशि दो वर्ष के लिए, एक निश्चित राशि दो वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, इतना कितना 420 रुपया, तो समान राशि पर समान दर और समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो क्वेश्चन बना दिया, कॉपी कलम लगा दिया, मतलब आपकी तैयारी उतना अच्छा नहीं है, कलम लगाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, पहले इसके अप्रोच लगाओ, सोचो तो बड़ा सा सोचें क्या, देखो ध्यान से बच्चे लोग, यहाँ पर 10% दिया होगा और टाइम दिया 2 साल, तो प्रिंसिपल होगा 100 रुपया, बोलिए है ना, 10 इधर से 10 इधर से 20 और नीचे 1 21, 21 का मान 420, तो 1 का मान 20, तो 100 का मान 2000, बोलिए है ना 2000। अब बोला उसी राशि पर उसी वर्ष के लिए, है ना, समान समय के लिए, समान समय मतलब कितना, 2 वर्ष के लिए, और रेट आपका 10% रहेगा, तो प्रिंसिपल हमारा निकल गया 2000, तो 2000 का 10% 200 रुपया, और 200 एक वर्ष में, 2 वर्ष में कितना 400 रुपया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड। हाँ देखो पहला कोशिश मैंने किया कि आपको कलम लगाने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको लगा देता हूँ, देखो 10% आपको यह कह रहा है तो 10% का मतलब आप जानते हैं अच्छे से दोस्तों 1/10 होता है, हाँ ना, बोलिए तो 10 का स्क्वायर करें कितना बन जाएगा 100, तो 100 क्या कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल, यहाँ से 2 वर्ष के लिए मैं काम करूंगा तो यह 10 होगा, यह 10 होगा और यह हमेशा 1 बनेगा, हाँ या ना, तो यही तो हमारा CI है, यही क्या हमारा CI है, तो 10 10 20 और 1 21, तो 21 यूनिट का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना 420, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 20 रुपये, तो 20 अगर गुना करूंगा मैं यहाँ पर तो कितना बनेगा बोलिए 2000, यह क्या कहलाएगा हमारे पास प्रिंसिपल, हाँ है ना। तो अब बोला है हमें ब्याज निकालने के लिए, तो उसी राशि पर मतलब 2000 पर, उस समान समय मतलब 2 वर्ष के लिए, समान दर मतलब 10% पर ब्याज क्या होगा, तो यह कट कर दो, 20 × 20 कितना आ जाएगा 400। अब बच्चों का समझ में आएगा, अच्छा ऐसे ऐसे बोले थे सर, इतना करना होगा तब जाकर समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम इतना कर दिए मतलब आपकी तैयारी उतना अच्छा नहीं है जितना आपको होना चाहिए, कलम का इस्तेमाल आपको यहां पर नहीं करना था, फटाफट नोट करेंगे सभी बच्चे। कोई समस्या किसी बच्चों को यहां पर नहीं ना, अगर आप इसको सेकंड मेथड में जाते तो सेकंड में क्या करते, दूसरा तरीका कैसे इस्तेमाल करते इसमें, आई समझिए, इसी में अगर मैं बताता कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो आप ऐसे करते प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे ही बनाते, 10% मतलब 1/10 हो गया, 10 अगर यहाँ पर 10 × 11 ये बन जाएगा, समय 2 साल दिया आप स्क्वायर करो, यहाँ पर स्क्वायर करो तो यह 100 और यह 1/21 बन जाएगा, तो यह प्रिंसिपल यह अमाउंट दोनों का बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, 100 और 21 अंतर कितना का 21 का, और 21 यूनिट का मान हमारे पास क्या है 420, कितना गुना है 20, 20 से आप यहाँ गुना करेंगे कितना निकलेगा, यह क्या निकला,
आपको निकालना क्या है एसआई, तो एसआई निकालो ना जी, एसआई निकालना है तो 2000 रुपये की राशि पर, 2000 रुपये की राशि पर दो वर्ष के लिए रेट 10% है, ब्याज निकालना है, वही बात आया कि नहीं आया, 400 रुपया। किसी भी तरीके से काम करेंगे ना सॉल्व सेम इन बोथ केसेस। शायद नहीं समझ पा रहे बच्चे लोग, समझ जा रहे हैं ना सब बच्चे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझना चाहिए। नेक्स्ट समझिएगा यह क्वेश्चंस, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है और मैं आपसे चाहूंगा कि यह क्वेश्चन आप करो, मैं थोड़ा टाइम देता हूं और वेट करता हूं आपका, जल्दी से करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट दोस्तों ₹1600 प्रति वर्ष 10% की दर से अर्धवार्षिक, हाँ यह अर्धवार्षिक याद कीजिए, मैंने शुरुआत में बताया था अर्धवार्षिक क्या होता है, त्रैमासिक क्या होता है। अर्धवार्षिक जब भी रहेगा ना बाबू, तो जितना भी टाइम दिया रहेगा उसको डबल करते हैं और रेट को हाफ करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि मान लीजिए अगर शादी ब्याह के बाद ससुराल जाने का मौका मिलेगा तो साल में अगर एक बार जाओगे तो उसका मान मर्यादा अलग होगा, और अगर साल में दो बार चले गए तो जितना भी मर्यादा है, जितना भी वह वैल्यू जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उसको क्या करो, हाफ कर दो। तो अगर ससुराल आप प्रत्येक 6 महीने में जा रहे हो तो साल में कितना बार जाओगे, 2 बार जाओगे, ठीक है। तो 2 से हम टाइम को क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं और रेट को हाफ करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वार्टरली एक में, तो क्वार्टरली में क्या होता है दोस्तों, क्या कि प्रत्येक 3 महीने में जाते हैं हम, तो प्रत्येक 3 महीने में जाएंगे तो 12 महीने में 4 बार जाएंगे, तो टाइम को 4 से गुना करेंगे और रेट को 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं, तो ये क्वार्टरली केस में होगा 4 से डिवाइड करूंगा। लेकिन आप समझिएगा रेट हमें यह दिया हुआ है, तो 10% का रेट दिया हुआ है तो अर्धवार्षिक में क्या होगा, 5%। रेट को हाफ करते हैं और टाइम को जस्ट डबल करते हैं, बोलिए ना हाँ ना। तो देखिएगा यह आपका बन जाएगा कितना, देखिए मान लीजिए अगर हम बात करते हैं 1600 रुपया यह दिया हुआ है, 1600 रुपया 1+R/100 मुझे नहीं पता है, और यहाँ पर टाइम क्या होता है, जस्ट डबल करते हैं, टाइम को मैंने 2T कर दिया है। अगर मान लीजिए टाइमिंग पहले आपको टी वर्ष दिया होगा तो मैं इसको 2T कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये दिया हमारे पास कितना, 1944.81 ये दिखाई दे रहा है। रेट हमारे पास क्या दिया, 10%, तो 10% का आधा करो कितना आएगा, 5%, तो 5% मतलब 1/20, तो 1/20 में यहाँ रख दो क्या, 1/20, तो दोस्तों यह टूटी है, तो यह बन जाएगा हमारे पास 1600 × या मैं यह कह सकता हूँ, हाँ 20 × 20 और 21 21/20, और यहाँ पर हो जाएगा 2T ना, यह इतना बटे में 1600 और पॉइंट के बाद 2 0 ये और आ जाएगा, हाँ या ना। कोई समस्या किसी बच्चे को, अब यह पूरा ब्रेक मत करने लगना, ये ब्रेक नहीं करना है, आप ये सोचो एक के साथ कि 20 का पावर क्या करे कितना आ जाएगा, तो 2 का पावर 4 में 16 आ जाएगा और 4 0 दिया है, मतलब यह पावर 4 कह रहा है, बोलिए हाँ ना। अब मुझे इसका मालूम नहीं है, लेकिन इसका तो मालूम चल गया ना जी, जिस रेशियो में होगा यह उसी रेशियो में यह होगा, बात समझे मेरी बात को, तो 2 का पावर 4 करूंगा तो 16 आएगा नहीं आएगा, और अगर यहां पर 4 0 है मतलब 20 होगा, तो मैं सिंपली यह कह सकता हूं दोस्तों क्या कि 21/20 यह है और यहां पर हो गया 2T, तो यहां पर 21/20 का पावर क्या हो जाएगा आपका, 4, तो 21/20 हवा हवा, तो 2T का मान हमारे पास क्या बनेगा, 4, यानी टी हमारे पास दिया क्या होगा, 2 साल ऑप्शन में है, जितना भी टाइम दिया था मैं उसको जस्ट डबल कर दिया, तो 2T का मान अगर 4 है तो टी का मान क्या होगा हमारे पास, टी का मान, यह हमारे से टी का मान निकल रहा है, टी का मान क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। नोट कर लेंगे सही बच्चे, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे एक बार देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, नहीं बोल रहा हूँ, चलो गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हम लोग,
10 के बाद मैं बढ़ता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह क्वेश्चन आपका अगला है। ये बोल रहा हूँ व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 101005 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन कोई बनाएगा बच्चा? मत बनाना। क्यों? 10% अगर बोलेगा तो 10% का मतलब होता है दोस्तों क्या, 1/10, और यह 1000 आएगा और यह 1331 आएगा। अंतर कितना का आएगा? 331 का। तो 1000 का मान आपके पास इतना दिखाई दे रहा होगा, इतना है ना, यह इतना दिखाई दे रहा, मतलब यह लगभग 10000 के साथ समथिंग है आपका। कितना है आपका जो भी है आपका देख लेना, यहाँ पर आपको दिया है यह चीज़ 100 गुना है, सब समझना 100 गुना है, तो लगभग 100 के आसपास गुना है ये ना जी। तो 100 से अगर गुना है तो दोस्तों अगर मैं 100 से यहाँ गुना करूँगा तो यह 3300 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, यह कुछ ऐसा आ जाएगा। आप ऐसे समझो ना, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ये समझिएगा ध्यान से आप लोग को क्या करना है, किस प्रकार से काम करना है। 10% का रेट दिया है, प्रिंसिपल यह हो गया हमारा अमाउंट हो गया, और मैं समझता हूँ कि 10 यह हो गया और 10 × 11 यहाँ बनेगा। टाइमिंग दिया 3 साल, तो मैं इसको क्यों करूँगा और यहाँ पर क्यों करूँगा, तो यह हो जाएगा हमारा कितना 1000, और यह हो जाएगा 1331। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो कि अंदर कितना का है, 331 का, 331 का है। अब देखो 1000 यह जो दिखाई दे रहा है यह, इससे हमें क्या करना होगा, इसका कंपेयर करना होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग 1000 से मैं डिवाइड करता हूँ तो यह आपको लगभग लगभग पूरा पूरा कट जाएगा अप्रॉक्सीमेट में। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर समझेंगे कि 33 इसका सीआई है और 33 हमेशा आपको एक ही जगह दिखाई दे रहा है। देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है 33, अप्रॉक्सीमेट हमें निकालनी है ना, पूरा कन्फर्म वैल्यू, पूरा अप्रोक्स वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो पूरा कन्फर्म निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पर सीआई जो दिखाई दे रहा है आपको, अंतर कितना का दिखाई दे रहा है, 10% पर 11, 10% पर अगर हम बात करते हैं 3 साल के लिए, तो मेरा जो अंतर है वो कितना दिखाई दे, 331 दिखाई दे रहा है, तो 331 दिखाई दे रहा है, तो हम इससे सिंपली कंपेयर करेंगे इस पर सिंपली हम लोग कि दोस्तों यह 4500, यह 3000, यह 3300 और यह, तो 3300 से कौन मैच कर रहा है आपका, ये वाला, ठीक मार देंगे। आपको लगता है कि नहीं इसको और तरीके से बनाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे कि कितना दिया था 101005 इसको डिवाइड करेंगे, कितना भाग जाएगा देखो, तो 1 2 3 1 2 3 मतलब आपको इतना भाग जाएगा एक बार में, बोलिए हाँ ना, मतलब लगभग 100 के आसपास जाएगा ये ना जाएगा। तो 100 से हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे, ये ना गुना करेंगे तो ये दोस्तों कि इतना आ जाएगा, ये कुछ इतना आ जाएगा, और इस प्रकार से ऑप्शन में अगर हम जाना चाहेंगे तो 33 के आसपास में जो ऑप्शन रहेगा उसमें हम आपको लेकर चले जाएंगे। तो यही काम करना है आपका, इसमें ऑप्शन देखना है, और ऑप्शन हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 1331 है, अंतर कितना का है 331 से है, देख लीजिएगा डिजिट इधर उधर होगा तो कोई बात नहीं, तो इससे हमेशा कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे 33 आपका और कहीं नहीं है, एक ही जगह ऑप्शन है, ये आपको इतना आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट से बच्चे। अप्रॉक्सीमेशंस पर काम करनी थी, तो अप्रॉक्सीमेशन में 10% पर 3 वर्ष के लिए जो सीआईएसआई का जो अंतर होता है ना, सॉरी सीआई का जो अंतर यानी प्रिंसिपल और अमाउंट के जो बीच का डिफरेंस होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सीआई, और ये हमेशा इतना होता है, तो इसे जो भी गुना करेंगे 100 से या 10 से गुना करेंगे तो 33 तो आना ही आना है, 33 और कहीं है इसमें, एक ही जगह है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, गुड, वेरी गुड, यहाँ पर समझिएगा यह क्वेश्चन को। हाँ जो भी आएगा इसमें एक डिजिट आपको और इसमें बढ़ाना पड़ेगा ना, हाँ हाँ एक डिजिट और बढ़ाना पड़ेगा तब जाके आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो इतना इतना क्या होगा इसका ऑप्शन होगा, तो मतलब जो भी आएगा वह 33 के अप्रॉक्स में ही आएगा आपका, और कुछ नहीं रहेगा, ये समझिए आप। ये करेंगे आपसे बच्चे फटाफट, ये दो लगातार 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना और इतना रुपया है, तो दर ज्ञात करें कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों 2 लगातार वर्ष जैसे ही कर देगा, मतलब ना 2 लगातार वर्षों का यह क्या दिया, सीआई दिया हुआ है, तो 225 से बढ़ा कितना 238.50, अंतर कितना का
अंतर निकालिए फटाफट, 13.50, कितना से बढ़ा है, 225 से इंटू 100 से कितना बढ़ेगा, जल्दी निकालेंगे तो ये पॉइंट उड़ेगा आपका, ये पॉइंट जाएगा, तो पॉइंट जाएगा दोस्तों तो कितना आएगा नीचे, 100 आ जाएगा, ये 100 और 100 कैंसिल आउट, तो 1350 को डिवाइड करेंगे अगर आप 225 से, कितना आया था 6%, और 6% इसका आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बेसिक दिया जाएगा आपको एग्जाम में, अगर आप काम करके जाएंगे तो आप बना पा रहे होंगे। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और करता हूँ फिर कवर, फिर छोड़ता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाँ ये बोल रहा है कि ए मनी लेंडर लेंड्स रुपीज 2000 फॉर 6 मंथ एट 20% पर एनम, वेयर एज द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, आफ्टर गिवन ए पीरियड ऑफ, आफ्टर गिवन ए पीरियड ही विल गेट द अमाउंट ऑफ। दोस्तों ये कह रहा है कि देखो जी बातें नहीं प्लीज, मैं छोड़ रहा हूँ, डोंट वरी, 2000 रुपये की कोई धनराशि है और 6 महीना की बात कर रहा है, 6 महीना और 20% वार्षिक ब्याज की दर है, तो क्वार्टरली केस में क्या करते हैं हम लोग कि जो रेट दिया है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5%, हाँ या ना। टाइम दिया है अगर मान लीजिए 6 महीना तो 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 24, दो साल का मानेंगे इसको हम लोग, 2 साल मानेंगे, हाँ या ना, क्वार्टरली में। तो दोस्तों आपको क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा कि 5% मतलब 1/20, तो प्रिंसिपल और यह हो गया अमाउंट, ये 20 हो गया तो यह कितना बनेगा 21, टाइम दिया है 2 साल तो इसको स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ये कितना बनेगा 400 और 441। अब देखो 400 का मान हमारे पास क्या है 2000, कितना गुना है 5 गुना है, तो 5 से आप यहाँ गुना कर लीजिए 2205, ऑप्शन में है आंसर। सिंपल तरीका जो आप करते आ रहे हैं वही काम करना है यहाँ पर, फटाफट नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेसिक अभी रखा हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं इसको थोड़े डिफिकल्ट मॉडरेट पर भी मैं आपको लेकर चलने का प्रयास करूँगा, पहले आप बेसिक तो कर लो अच्छे से। चलिए और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, और इसके बाद मैं अगले वीडियो में स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 15 से। मैं आगे बढ़ूँ, त्रैमासिक इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया है और टाइम को 4 से मैंने गुना किया, त्रैमासिक बोले तो क्वार्टरली, क्वार्टरली हाँ, प्रत्येक 3 महीना में, ये समझिएगा। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 6250 अमाउंट टू रुपीज इतना एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोला है मतलब क्या, टाइम को डबल और रेट को हाफ करो, है ना। तो दोस्तों आपको समय दिया है क्या, समय नहीं दिया, रेट आपको दिया होगा, रेट दिया है कितना 4%, रेट कितना दिया इसका 4%, यह दिया होगा 4%, तो रेट को आधा करेंगे कितना करेंगे हम लोग 2%, तो मैं यूज करूंगा दोस्तों यहां पर क्या 6250 1+2/100, टाइम को डबल करेंगे तो टाइम को डबल करेंगे तो मैं 2t कर लेता हूं यहां पर, और यह राशि कितना दिया है 6650, यही ना 55 है ना सर, 55 है, यह है 55 है, सही है क्या। दोस्तों आप क्या करेंगे, यह किसको कट करेंगे आप, तो आप आएंगे क्या 50 हो गया 51/50, यह हो जाएगा 2t और यह हो जाएगा दोस्तों इतना सर 6632 55 और 6250 पर 00, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब ऐसा नहीं कि फिर इसको कैलकुलेशन करने वाला मत लग जाना, आप किसी को पकड़ो 5 का पावर मैं क्या करूं, हाँ जी 5 का पावर मैं क्या करूं, सही है ना, 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 ना आएगा, 5 का पावर 3 करेंगे तो 5 के पावर 3 में कितना आएगा 125 आएगा, ये पर कितना है 625 है, तो इसको क्या करो ना 5 से कट कर लो आप, इसको 5 से कट करो तो इसको देखो
5 से कट करेंगे तो नीचे 125 आएगा, बोलो ना जी हाँ या ना। और 5 से यहाँ कट कर जल्दी बताओ तो फटाफट, 66, 25 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से कितना आता है जल्दी से बताएंगे, 66 करके बताओ जल्दी, 13, 26, 51। ठीक है, वेरी गुड। अब आप करेंगे क्या कि यह 51/50 का पावर हो गया 2t, अब यह 51/50 का पावर होगा क्यू होगा, वेरी गुड। 51 3 बार गुना करेंगे इतना आएगा। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पर यह और यह कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो टी का मान हमारे पास 3 है, तो टी का मान क्या होगा, 3/2, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, इन बोला 3/2 ईयर्स। तो कैसे निकालेंगे आपने देख लिया होगा, बस थोड़ा सा काम करना था यहाँ पर, आप कैलकुलेशन करेंगे तो यह आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। हमने यहाँ पर किया तो मैंने देखा क्या कि 3 बार में 625 नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको क्या किया सिंपलीफाई कर दी, और मैंने देखा क्या कि वो 51/50 का क्यू है, तो यह और यह कटेगा 2t का मान हमारे पास यह 3 है, तो टी का मान हमारे पास क्या आएगा 3/2 ईयर्स आएगा, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो क्वेश्चन कितना छोटा है लेकिन आपको काम इतना करवा दिया है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं चल के, इसलिए कि आपको क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों एक बार आप अच्छे से देख लें, अच्छे से यहाँ पर इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये रखे हैं कि बेसिक प्रकार के क्वेश्चंस, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको दिए जाते हैं, आप इस पर अप्रोच लगाएंगे, और मैं पूरी प्रयास करूँगा वह चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअली हो, सही प्रकार का रेट पर मैं काम करूँगा, है ना। तो अभी इसमें और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी मैं बेसिक रखा हूँ, इस पर फिर आगे मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम करना चाहूँगा, और मिलूंगा मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और अपना मन लगा पढ़ाई को करते रहें। थैंक यू सो मच, टेल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।